नमस्कार मेरे प्रिय छात्रों, मैं पवन सर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके इस ऑफिशियल चैनल HP YouTube क्लासेज में स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक और नए वीडियो के साथ मैं आप आज की शुरुआत करूंगा, आज की क्लास की शुरुआत करूंगा। तो चलिए दोस्तों, हम अपनी क्लास की शुरुआत करेंगे। देख लीजिए, आज आप लोग को ये कक्षा 12 का जो हम अवकलन पढ़ा रहे हैं, प्रश्नावली 5.2, प्रश्न संख्या 5वां होगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ से आप लोग को ये समझ में आ गया होगा कि आज हमें पढ़ना है प्रश्नावली 5.2 का क्वेश्चन नंबर 5 से। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरुआत करते हैं। आप सभी लोग आ जाइए, सेशन को शुरू कर दिया गया है। ठीक है, तो चलिए आज का एक मज़ेदार सेशन शुरू होगा, मज़ा आएगा। ठीक है, बस आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं, शुरुआत करते हैं हमारा क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर लिखा है, क्या कह रहा है कि साइन ए एक्स प्लस बी अपान का से सी एक्स प्लस डी में एक्स के सापेक्ष अवकलन ज्ञात कीजिए। तो हम करते क्या हैं कि यदि आपको पता है कि कोई भी फलन दिया रहता है तो हमें हमेशा उसको किसके बराबर मानते हैं, वाई के बराबर मान लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे वाई बराबर लिखेंगे साइन ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस बी बटे लिखेंगे कास लिखेंगे सी एक्स प्लस क्या लिखेंगे, डी लिखेंगे। क्लियर। अब यहाँ हम लिखेंगे यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, यक्स के सापेक्ष, ध्यान समझना, आपको समझ में आ जाएगा, यक्स सापेक्ष अवकलन करने पर, यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, ये देखिए। तो यहाँ यक्स के सापेक्ष जब अवकलन करेंगे तो ये क्या लिखा जाएगा, ध्यान देखना, डी वाई बाई डी यक्स बराबर डी बाई डी एक्स। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे साइन ए एक्स अब प्लस क्या लिखेंगे, बी बटे लिखेंगे कास में सी एक्स अब प्लस क्या लिखेंगे, डी लिखेंगे। क्लियर। अब भाई आपको यहाँ ये अंश बटे क्या लगा, हर, तो आपका जो सूत्र होता है अंश बटे हर, ठीक है, वो आपका पता है क्या होता है, हर डी बाई डी एक्स अंश माइनस अंश डी बाई डी एक्स हर बटे हर का स्क्वायर। ठीक है, या यू बटे भी होता है। तो यहाँ अगर हम आपसे बात करें तो डी बाई डी एक्स जो आपका सूत्र होता है, यू बटे क्या होता है, वी, तो जो आपका सूत्र होता है वो आपका क्या चलता है, वी डी बाई डी एक्स यू माइनस यू डी बाई डी एक्स वी बटे आपका क्या होता है, v का स्क्वायर, ये आपका सूत्र होता है। तो यही सूत्र इसमें हम क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। तो ये आपका अंश जो है u है, हर आपका क्या है, v। तो यहाँ पर लिखेंगे, जरा ध्यान देखना, समझ में आ जाएगा। तो देखिए हर आपका क्या है, कास है, तो यहाँ पर लिखेंगे कास है, क्या लिखेंगे भाई, कास है सी एक्स प्लस डी, ठीक है, डी बाई डी एक्स, अंश आपका क्या है, साइन ए एक्स अब प्लस कितना, बी, ठीक है, माइनस लगाएंगे, फिर आपका अंश आपका क्या है, साइन, क्या लिखा है भाई, साइन ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस बी डी बाई डी एक्स हर, हर आपका क्या दे रहा है, कास से, क्या लिखा है भाई, कास से सी एक्स प्लस ए डी, यहाँ लिखेंगे सी एक्स प्लस कितना, डी। क्लियर। पूरे का बटे लगाएंगे, पूरे क्या लगाएंगे, बटे कास का स्क्वायर, ये देखिए कास से सी एक्स प्लस डी, मझला कोष्टक यहाँ बंद करिए, इसके ऊपर क्या लगाइए, स्क्वायर। क्लियर, इतना समझ में आ गया। चलिए अब हम अवकलन करते हैं। अब देखिए ये कास का है तो कास का अवकलन होगा नहीं, तो आपको इसको ऐसे रहने दिया जाए, यहाँ लिखेंगे कास से, ठीक है, सी एक्स प्लस डी इंटू, अब देखिए जो साइन का अवकलन होता है, हमने आपको बताया क्या होता है भाई, कास होता है, साइन का अवकलन क्या होता है, कास, यहाँ लिखेंगे कास, क्या लिखेंगे भाई, कास के साथ में कौन लगा है, ए एक्स प्लस बी इंटू, अब हमको करना है ए एक्स प्लस बी का अवकलन, तो आपको पता है कि ए एक्स प्लस बी का जो अवकलन होता है वो आपका क्या होगा, मान ली केवल ए होगा। ठीक है, अब यहाँ पर माइनस लगाएंगे, ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा है, साइन, क्या लिखा है भाई, साइन ब्रेकेट में ए एक्स अब प्लस क्या लिखा है, बी इंटू, अब आपको पता है जो कास लिखा है, कास का यदि मैं अवकलन करूं तो कास का अवकलन क्या होता है, माइनस में साइन
माइनस में क्या होता है साइन, ठीक है, कॉस का अवकलन माइनस साइन, फिर क्या लिखेंगे सी एक्स से सी एक्स प्लस डी। अब सी एक्स प्लस डी लिखा है तो सी एक्स प्लस डी का अवकलन क्या होगा भाई सी होगा, ठीक है, पूरे का बटे लगाएंगे, पूरे का हम क्या लगाएंगे बटे, ये लिखेंगे इसको ऐसे का से सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर, ये मझला कोष्टक बंद स्क्वायर, क्लियर। अब देखिए भाई ये आगे चला आएगा तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, जरा ध्यान समझना आपको भाई, बस देखते रहिए अच्छे से, आप लोग को समझ में पूरा आ जाएगा, यकीन है मैं बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ आप बराबर जरूर चिन्ह लगाइए। अब देखिए ए आगे आ जाएगा तो यहाँ पर लिख सकते हैं ए का से ब्रेकेट में लिखेंगे सी एक्स ए प्लस डी, ठीक है, इंटू कास लिखेंगे, इंटू क्या लिखेंगे का से ए एक्स ए प्लस बी, क्लियर। आप देखिए ये माइनस ये माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, सी आगे आ जाएगा सी, यहाँ लिखेंगे साइन, क्या लिखेंगे भाई साइन ए एक्स ए प्लस बी इंटू साइन सी एक्स ए प्लस क्या लिखेंगे डी, ब्रेकेट बंद है, पूरे का बट्टे लगाएंगे, पूरे क्या लगाएंगे बट्टे लिखेंगे कास से कोष्टक में सी एक्स ए प्लस डी का होल स्क्वायर, ठीक है, मझला कोष्टक यहाँ बंद करके स्क्वायर लगा दीजिए। तो दोस्तों इस तरह से देख लीजिए आपको इतना आ गया, क्लियर है ना। तो दोस्तों करना क्या है, अब यहाँ अगर आप चाहेंगे तो इसको अलग अलग पक्षांतर कर दीजिए, ठीक है, जिसे आप लोग कर सकते हैं, तो अलग अलग कर सकते हैं, तो आप कोई दिक्कत नहीं है कर सकते हैं, ठीक है, बस यही इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा, आप लोग इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए मैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपको हल करा रहा हूँ।